Hello friends, I welcome you all on Yourpedia Education. So today at 7 PM I am going to give you one job update and that is from NHPC जो कि एक अमेन्य रत्न PSU है. एंड फ्रेंड्स इसके अलावा जैसे आपको पता है Yourpedia Education ने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है फॉर डेली नॉन टेक्निकल जॉब अपडेट्स. सो उसका नाम है Yourpedia डेली जॉब अपडेट्स एंड प्रेपरेशन. तो Yourpedia जॉब अपडेट्स एंड प्रेपरेशन एक न्यू चैनल है Yourpedia Education का फॉर मेनली फॉर नॉन टेक्निकल जॉब्स. ओके, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा. इन केस आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब दैट चैनल. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो. सो टुडेज वीडियो इज फ्रॉम NHPC जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है, एक मिनी रत्न PSU है. एंड इसमें कुछ वैकेंसीज आउट हुई हैं एंड एज यू कैन सी वैकेंसीज आई विल से जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो गया फिल करना, सो दैट इज़ 1st of September. लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सो 30th of September. ठीक है, तो पोस्ट कौन सी हैं? SMO सीनियर मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर. ये आप देख सकते हैं एज इट इज़ टेक्निकल नहीं है. ओके, एंड इसका मैक्सिमम एज दे रखा है सो जो एज लिमिट है, जो एज के लिए जो कट ऑफ है आई विल से सो वो काउंट होगी 1st of July 2021 को. अब इसमें जो टेक्निकल जॉब्स हैं सो वो JEE सिविल की हैं, JEE इलेक्ट्रिकल की हैं एंड JEE मैकेनिकल की हैं. तो अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हैं इसमें. तो अगर आपने रेगुलर डिप्लोमा किया हुआ मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में एंड सिविल में, तो अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हैं. काफ़ी अच्छा कंपनसेट भी करते हैं एंड 1st of July को जो आपका एज 30 ईयर्स होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं यार. ठीक है, देख सकते हो आप 68 वैकेंसीज़ हैं सिविल में, इलेक्ट्रिकल में 34 है, मैकेनिकल में 31 है. तो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कह सकते बट क्वाइट ठीक है. ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. फर्दर उन्होंने बाइफर्केशन इसमें दिया हुआ है कैटेगरी वाइज. ओके, देन सीनियर अकाउंटेंट की भी है. तो आप देख सकते हो JEE सिविल, JEE इलेक्ट्रिकल, JEE मैकेनिकल की पोस्ट है यहाँ पर. कंपनसेशन पैकेज इन्होंने बताया हुआ है, बेसिक पे होगा, सारा कुछ फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा. ठीक है, ये सारा इसमें दिया हुआ है. एंड आपका आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, जहाँ भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं, पावर स्टेशन हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी. ठीक है, तो इसमें जो फीस रहेगी सो दैट इज़ 250 रुपीज़ रहेगी. ठीक है, एंड उसके बाद कैसे अप्लाई करना है वो सारा इन्होंने दिया हुआ. आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, कैरियर सेक्शन में जाना है आपको, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, फिर इंस्ट्रक्शन जो दी रखी है एलिजिबिलिटी की वो सारी रीड करनी है. ठीक है, उसके बाद आपको ये सारे के सारे आई विल से इनकी स्कैन कॉपी जो सर्टिफिकेट्स हैं अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करना है. ठीक है, उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा जिसका आपको प्रिंट आउट रखना है. ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या दे रखा है इन्होंने, ऑनलाइन टेस्ट होगा एक. ठीक है, सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें. टेस्ट सेंटर बताए हुए 22 सिटीज़ में होगा. ठीक है, तो ये वो सिटीज़ के नेम है जहां पर ये होगा. देन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी. एग्ज़ाम ड्यूरेशन इज़ 3 आवर्स. टोटल मार्क्स इज़ 200 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है. ठीक है, एंड तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो 140 MCQ जो रहेंगे, जो आपका जो टेक्निकल डोमेन है, कंसर्न डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और आई विल से इसका सिविल का. ठीक है, तो उसमें से रहने वाले हैं ये. ठीक है, एंड उसके बाद 30 MCQ आपका जनरल अवेयरनेस पे रहेगा, 30 MCQ रीजनिंग से रहेगा. असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए 110 क्वेश्चन आएंगे अकॉर्डिंगली, उन्होंने फर्दर बाइफरकेट किया हुआ है. ठीक है, एंड इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी. ठीक है, अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं. देन यहाँ पर रिलैक्सेशन रिजर्वेशन क्या रहेगा, जो भी अकॉर्डिंग टू आई विल से जो भी इन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया हुआ है वो देख सकते हो आप, इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हो. ओके, तो ये सारा जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं. उसके बाद तो आई थिंक आज का जॉब अपडेट आपको समझ में आ गया होगा. सो दैट वॉज फ्रॉम NHPC, अगेन एक मिनी रत्न PSU है. तो जो भी आई विल से सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में जिन्होंने भी डिप्लोमा किया हुआ है फुल टाइम, तो वो ज़रूर अप्लाई करें. काफ़ी अच्छा ये आपको इसमें कंपनसेट भी करेंगे. इन केस आपका कोई फ्रेंड एलिजिबल है तो उससे ज़रूर अप्लाई करवाएं.
सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. सो आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट मोर एंड मोर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब यूर पीडिया एजुकेशन. थैंक यू वेरी मच.